भागलपुर का धूरी यादव हत्याकांड काफी चर्चित हत्याकांड है, जिसका मुख्य आरोपी और गोलीबारी कांड का मास्टरमाइंड अजय मिश्रा, जिसके ऊपर कई आपराधिक इतिहास है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिंकू अंसारी की मार्बल दुकान में 27 सितंबर को गोलीबारी की घटना हुई थी। इसी बाबत ततारपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन के लिए एसएसपी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर के जिम्मे दी गई थी। विशेष टीम का गठन कर पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय मिश्रा को नाटकीय रूप से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इस कांड में अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद इकबाल को लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिंकू अंसारी की मार्बल दुकान में गोलीबारी कांड का मुख्य आरोपी है। उसके पास एक देसी कट्टा, एक कारतूस और 2 मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं भागलपुर जिले के नाथनगर थाना पुलिस ने सुखराज राय उच्च विद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले हत्या कर फेंके गए महिला के शव के मामले में खुलासा करते हुए घटना में मुख्य आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना के चौकी शाहपुर निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में किया है। 23 को ततारपुर थाना अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें जो मास्टरमाइंड था अजय मिश्रा, ये कुख्यात अपराधी है जिसको जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके ऊपर पहले से लगभग 10 केस हैं और केसों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। आर्म्स एक्ट, रंगदारी हत्या, रंगदारी और बहुत चर्चित ये अपराधी है, कुख्यात अपराधी है और यहाँ अक्सर घटनाएं करवाता रहता था। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इस केस में एक और जिसने जो शूटिंग में शामिल था मोहम्मद इकलाक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इसके ऊपर भी 3 केसेस हैं अलग अलग थानों में और इस पूरे केस में टोटल 6 गिरफ्तारी हो गई है। और DIU की पूरी टीम और SHO ततारपुर और DSP सिटी की निगरानी में पूरी टीम वर्क कर रही थी और काफ़ी दिनों से इस केस में अनुसंधान चल रहा था और हम लोगों ने प्रॉपर इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं। अजय मिश्रा के खिलाफ जो टेक्निकल एविडेंस था, CDR इत्यादि वगैरह पाया गया है, उसके बाद ही हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है। जो CDR में जो मोबाइल का प्रयोग किया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है और प्रॉपर इसमें टेक्निकल एविडेंस के आधार पर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो मास्टरमाइंड अजय मिश्रा है, ये धूरी अदब हत्याकांड का भी अपराधी है, पहले से भी जेल जा चुका है। तो एक अच्छी सफलता है भागलपुर पुलिस की और इसमें बहुत अच्छा एक काम हुआ है। और सभी अपराधियों को कहाँ से गिरफ्तारी हुई अजय मिश्रा की? इसकी तिलका मांझी अंतर्गत एक होटल है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। लगातार हम इसके ऊपर सर्वेलेंस रखे हुए थे। पूछताछ की जा रही है, पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना पुलिस ने सुखराज राज उच्च विद्यालय परिसर में हत्या कर फेंके गए शव मामले में खुलासा करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी शाहपुर निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में किया है। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में बीते 15 अक्टूबर को एक युवती का शव मिला था। शव मिलने की सूचना इलाके में काफी तेजी से फैल गई थी। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। वहीं घटना की सूचना पर नाथनगर थानेदार मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए थे। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट किया था। मामले की सूचना पर भागलपुर के SSP आनंद कुमार ने देर रात घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। वहीं तुरंत घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT का भी गठन किया गया था। ये सबसे पहला मामला तो ये नाथनगर थाना का है। इसमें SR इंटर कॉलेज में एक लड़की का शव पाया गया था। तो ये इसमें कांड दर्ज हुआ था 848-23 और लड़की का जो हत्या हुआ था वो एकदम ब्लाइंड केस था। हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस लिया और पूछताछ की अगल बगल, तो आज़ाद नामक एक व्यक्ति था जिसके बारे में पता चला, उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया था और वो हत्या के अगले दिन ही तेलंगाना चला गया था। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई और तेलंगाना से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मर्डर का जो मोटिव था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके चलते उसने बाद में उसका मर्डर कर दिया। इसमें नाथनगर SHO ने अच्छा काम किया है, राजीव रंजन है IU और रवि रंजन सिंह नाथनगर से हैं, इन्होंने सभी ने अच्छा काम किया है और एविडेंस कलेक्ट करके एक अच्छी उपलब्धि, अनुसंधान अच्छा किया और अच्छी उपलब्धि भागलपुर पुलिस को।
पर्व खत्म होते ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगती है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर नशा खुरानी गिरोह भी सक्रिय हो जाता है, जो रेल यात्रियों को नशीली पदार्थ खिलाकर अपना शिकार बनाकर यात्रियों का सामान लूट लेते हैं। नशा खुरानी गिरोह की सक्रियता को रोकने के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा लगातार यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। भागलपुर RPF की टीम रेल यात्रियों को माइकिंग कर जागरूक कर रही है ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। आए दिन अलग अलग इलाके से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग काफी सहमे हुए हैं। चोरों ने नाथनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव स्थित बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत जवान राजेश कुमार मंडल के घर को निशाना बनाया और छत के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश करने के बाद एक कमरे के दरवाजे में लगे लॉक को तोड़कर गोदरेज में रखे लाखों रुपये मूल्य के जेवरात, सोने का नथ, सोने का टीका, सोने की अंगूठी, सोने का कान का टॉप एवं चांदी के ब्रेसलेट, चांदी के चैन, कमरबंद को गायब कर दिया। वहीं छत के दरवाजे में लगे ताले और कमरे के दरवाजे में लगे लॉक वहीं पड़ा हुआ था। इस घटना के बाबत पीड़ित सिपाही राजेश कुमार मंडल ने नाथनगर थाना पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचना पर नाथनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामले के बाबत पीड़ित सिपाही राजेश कुमार मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी अपने पिता के साथ घरों के सभी दरवाजे को विधिवत बंद कर छठ त्योहार मनाने के लिए मायके चली गई थी। जब वो बीते बुधवार देर रात वापस अपने घर पहुंची तो घर का सामान बिखरा देख स्तब्ध रह गई, जिसके बाद उसने देखा कि गोदरेज खुला हुआ था और गोदरेज के सारे जेवरात गायब थे और गोदरेज का सारा सामान भी अस्त व्यस्त था। मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद महताब खान ने कहा कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे घर में चोरी हुआ है। घर के छत से ग्रिल लगा हुआ है जिसका ताला तोड़कर अंदर घुसा है और मेरा एक रूम में घुस के उसका रूम का लॉक भी तोड़ा गया है और लॉक तोड़ के अंदर गोदरेज का भी गेट तोड़ के जो उससे मेरा गहना जेवर जो भी थी मेरी वाइफ का उसको लिया गया है। कब हुआ ये? हुआ है 17 से 22 के बीच में। जब वो कल आई वापस घर रात को 9 बजे तो देखती है मेन गेट का ताला ठीक ठाक है। मेन गेट को खोल के जब अंदर आती है तो एक रूम का ताला टूटा हुआ है और अंदर गोदरेज का भी टूटा हुआ है। उसमें सोने का अंगूठी था और उनका टॉप था कान का और नथ और टीका था। लगभग वही लाख के और चांदी का भी कुछ था जगह। कहाँ भाई तेरी? मुरारपुर रेलवे स्टेशन के बगल भालपुर गांव। भागलपुर की जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में जमीन विहीन 96 लोगों को जमीन देने की बात कही है, लेकिन जमीन विहीन लोगों का कहना है कि 76 लोगों को पैसे लेकर जमीन मुहैया कराया गया है। सबों ने CO द्वारा अवैध रूप से 10,000 रुपए लेकर जमीन मुहैया कराने को लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं, जिसके बाद राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर CO के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर दिया है तो फिर CO किस आधार पर पैसे ले रहे हैं, इसको लेकर हम लोग हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और CO के खिलाफ मुर्दाबाद के
किनारे राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लगाया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे और फिर भी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अनवरत अनशन पर बैठ जाएंगे। जब हम लोगों को जमीन देने का आदेश कोर्ट से पारित हो गया है फिर हम लोगों से किस बात का पैसा लिया जा रहा है, यह कहीं से सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि असहाय लोगों के फरियाद कब पदाधिकारी के कान तक पहुंचती है। जो जमीन पास हो गया है तुम्हारा भूमिहीन परिवार से, जो हमको 10,000 रुपया दो, कल से परसों तक में जमीन दे देंगे। ये लगा के 3 से 4 बार हमारे दरवाजे पे गया। कौन था वो? हम नहीं चिन्हते, उसका नाम नहीं जानते हैं। गोरा जैसा है, पतला जैसा है। क्या बोल के लेता पैसा? मांग रहा पैसा यही बोलता है कि ये 10,000 दो, 2 से 3 दिन में तुम लोग को नापी जमीन हो जाएगा। बार बार यही बोल रहा है, एक बार नहीं, एक बार से 4 बार मेरे दरवाजे पे गया। सामने आ जाएगा, पहचान लीजिएगा। हाँ पहचान लेंगे, जब भी आएगा उसको पहचान लेंगे, दूर में भी रहेगा तो हम पहचान लेंगे उसको। मेरा नाम रुचि देवी। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को 1/11/21 को जिला पदाधिकारी लोक शिकायत के तहत द्वितीय अपील पे हम लोग 117 आदमी को जब भूमि आदेश हुआ था कि सबको 55 डिसमिल जमीन दे करके गरीबों को इंदिरा आवास दे के बसा दिया जाएगा, उसमें आदेश में जीएम साहब लिख के दिए कि पंचायत चुनाव का समस्या है, पंचायत चुनाव को ख़त्म होने दिया जाए, उसके बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। हम लोग भी कहें कि सब डीएम साहब का आदेश हो गया, डिग्री का आदेश हो गया। फिर दोस्त हम लोग को जो है बार बार अंचल दौड़ते दौड़ते पंचायत चुनाव के बाद थक गए, कितना चप्पल खिया गया। वहाँ पर का दलाल लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए, डिप्टी अगर उसको बुलाया जाता है तो वो 12 बजे दिन में पहुँचता है नहीं भी पहुँचता है, लेकिन झूठ मूठ को जो जिसका आदेश हुआ है उसके घर पर 6 बजे भोर में जाँच करने के लिए जाता है, जबकि यहाँ से सब कुछ हो गया, पास हो गया, जमीन मिलने का पर्चा मिलने का सवाल उठ गया। 10,000-20,000 रुपया जनता से पूछ लीजिए, 20,000 रुपया मांगने भोर में जाता है दलाल लोग, समझे ना। उसके बाद दौड़ते दौड़ते फिर दूसरा बार फिर हम लोग अप्लाई किए, फिर दूसरा बार जो है हम लोग को 21/7/2022 को फिर आदेश हुआ द्वितीय अपील से, फिर डीएम साहब आदेश दिए। उसके बाद से दौड़ते दौड़ते हम लोग अंचल में थक गए, लिखते लिखते थक गए, कहीं कोई ज़मीन जगह हम लोग को नहीं मिला। बीच बीच में दलाल लोग के द्वारा पैसा की मांग की जाती थी, अगर आप प्रमाण के तौर पे बोलिएगा तो हम उस आदमी को हम लोग कालर पकड़ के डीएम साहब के पास भी ले जाके खड़ा करें। जमीन मिला है और उसके बाद का सर कहानी सुन लीजिए कि हम लोग जो है कि हम लोग को बालगलाया जाता था, बाद में जो है अंचल के द्वारा लिख के डीएम साहब को जमा करा दिया गया है झूठ मूठ का कि 92 भूमिहीनों को पर्चा बास्केटगंज पर्चा और जमीन उपलब्ध करा दिया गया, एकदम झूठ है। हम सूचना के तहत से ये कागज निकाले हैं एडीएम साहब के यहाँ से, और जब जब हम लोग जाते हैं अंचल तो हम लोग को डांट फटकार के भगा दिया जाता है। औरत लोग जाती है भद्रा भद्रा गाली देता है, भगा देता है। वहाँ दलालों का अगर सबसे बड़ा दलाली होता है तो वो भागलपुर जगदीशपुर अंचल में, वहाँ पे कैमरा का तो सर एकदम आप लोग की कृपा से अगर आप लोग इतना से जरूर करवा दिए कि अंचल के भीतर कैमरा लगा दीजिए, ताकि दलाल जो बार बार आता जाता है जातीय आवासीय फलना ढेकान गरीब को नोच के खा गया, विद्यार्थी को नोच के खा गया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली की ओर से 26 नवंबर तक सैंडिस कंपाउंड में आयकर हब का आयोजन किया गया है। इसमें 3 कियोस्क लगाए गए हैं जिसमें करदाताओं के शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया, वहीं करदाताओं के सवालों के उत्तर आयकर के जानकारों के द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ भविष्य में युवा करदाताओं को आयकर के संबंध में उचित जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त एक चिल्ड्रन कॉर्नर की भी व्यवस्था की गई थी, जहां बच्चों एवं युवाओं के लिए बोर्ड गेम वीडियो गेम की व्यवस्था थी, तथा कार्यक्रम स्थल पर भविष्य के करताओं के बीच क्विज पेंटिंग के साथ साथ नुक्कड़ नाटक मैजिक शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती मुंगेर योगाश्रम के द्वारा किया गया। वहीं पटना से आए आयकर महानिदेशक राहुल कर्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं आम लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर आयकर से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे बेहद हर्ष होती है इस बात से कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भागलपुर को उन 7 शहरों में से एक चुना जहां पर कि वो अपना टैक्सपेयर्स हब सेटअप कर रही है। बाकी शहर हैं उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और राजस्थान में भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में ये एकमात्र टैक्स हब सेटअप हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है
टैक्सपेयर्स के बीच में जागरूकता फैलाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सपना है और वो सपना ये है कि वो इफेक्टिव हो, एडवर्सरियल नहीं, और ये तभी हो सकता है जबकि सभी करदाता इस बात को रियलाइज़ करें कि करों का भुगतान करना एक राष्ट्र की सेवा है। आगामी 26 नवंबर को वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भीम संवाद का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे बिहार के सभी जिलों और प्रखंडों के लोग पहुंचेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभों को संबोधित करेंगे। मुख्य रूप से आगामी 2024 के चुनाव को लेकर और आरक्षण को लेकर कई मुद्दों पर वार्ता करेंगे, जिसको लेकर भागलपुर की सर्किट हाउस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसकी तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। वार्ता के दौरान MLC विजय सिंह, शिशुपाल भारती, बिपिन बिहारी सिंह के अलावे जदयू के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य रूप से हम लोग भीम संसद एक कार्यक्रम संवाद के लिए, भीम संवाद कार्यक्रम है हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो विकास से संबंधित कार्य किए गए हैं और आगे आने वाले समय में जो काम उनके लिए लक्ष्य रखा गया है, उनसे सीधे संवाद करने के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी उन्हें संबोधित करेंगे और उनके ही संवाद को आपसी में इनका विचार भी रखा जाएगा और आपसी संवाद से सरकार की नीतियों के बारे में इनसे अवगत कराने के लिए एक कार्यक्रम परिचर्चाओं का रखा गया है, जिसमें बिहार के तमाम जिले से हमारे अनुसूचित जाति की लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। सभी जगह पर लोगों को आने जाने की वहाँ पर सुविधाएं हम लोगों ने रहने का दिया गया है, वहाँ पर लोग कहाँ पर आपसी रात में भी संवाद का काम होगा, सुबह भी आपस में संवाद किया जाएगा, क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रवार भी चर्चाएं करने के लिए अलग अलग ठहराव की व्यवस्था रखी गई है, ताकि लोगों से भी ये जाना जाए कि हर जिला में किस किस प्रकार की समस्याएं लोगों को उन लोगों को विकसित करने में आ रही है, विकास से किस श्रेणी से किस प्रकार से जोड़ा जाए। अभी उन लोगों को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखे होंगे कि सदन में काफ़ी उन्हें सहयोग करने के लिए एक नई आरक्षण नीति को भी देने का काम किया है, उसकी भी भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस स्टेप को उठाया गया है। ये सारी बातों की चर्चाएं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक और हम लोग के तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए जिला में हम लोगों ने सभी जगह कार्यक्रम किया। अब प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए 26 तारीख को वहाँ हम लोग वेटनरी कॉलेज के मैदान में हम लोगों के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से भी उन्हें आभार व्यक्त किया जाएगा और सभी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा करके गरीब गुरुए लोगों के बीच में सरकार की जो आज 18 वर्ष से जो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का जो लाभ हुआ और आगे क्या लाभ उन्हें चाहिए, इस बातों की चर्चा करने के लिए कार्यक्रम बुलाया गया। उसी को लेकर के उपलक्ष्य में आज आप लोग के माध्यम से भी लोगों को जागृत करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए और तमाम कार्यकर्ता के सभी प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष भागलपुर, जिला अध्यक्ष नौगछिया, तमाम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पदाधिकारीगण। फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर महिलाओं, बच्चों तथा आम नागरिकों पर किए जा रहे नरसंहार के विरोध में तथा फिलिस्तीनियों के समर्थन में आज CPIM ने आम सभा का आयोजन किया। इसमें CPIM के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के साम्राज्यवाद के इशारे पर यह नरसंहार जल्द बंद करने की बात कही, वहीं शांति बहाल करने की भी बात कही। आम सभा में उपस्थित लोगों ने पूरे मुल्क में भाईचारा व मिल्लत की बात करते हुए कहा कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और यह कहीं से सही नहीं है। कोई भी युद्ध का परिणाम आम आवाम के लिए सही नहीं होता, इससे क्षति ही पहुंचती है। वहीं लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की बात कही, न कि एक दूसरे मुल्क के लोगों के साथ लड़ने की बात। आज की शाम सभा में CPIM के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे, सबों ने इस पर अपनी राय दी। आज CPIM के द्वारा आम सभा का आयोजन यहाँ चंपानगर ठाकुरवाड़ी वॉलीबॉल मैदान में रखा गया है। इसराइल लगातार 70 साल से फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म कर रहा है और अभी की जो घटना है कि वो हॉस्पिटल्स और जो है वो अनाथालय वगैरह मासूम बच्चों को, औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को, जो कि हर दिन 150 औरतें जो है वो वहाँ पे डिलीवरी की पेशेंट हैं, उनको भी ये इसराइल जो है वो छोड़ नहीं रहा है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी
इसके लिए पूरे देश में एक अभियान चला रही है कि इसराइल जल्द से जल्द जो है इस लड़ाई को ख़त्म करे, बंद करे, और जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो मुद्दा है, जो यूएन का रेजोल्यूशन है, उस पर अमल दरामद करके फ़लस्तीनियों की उसकी आज़ादी को पूर्ण करे। फ़लस्तीन की आज़ादी तक जो है वो संघर्ष चलता रहेगा हमारा। हम इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो है एक आम सभा आयोजन किए हैं सीपीआईएम के। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रत्तीपुर बैरिया के वार्ड संख्या 10 स्थित सरकारी कूड़े वाले घर में अचानक आग लग गई, जिससे वहां बगीचे में बैठे लोगों में काफी दहशत का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पंचायत के मुखिया प्रमोद यादव को दी। मुखिया ने आग लगी की घटना की सूचना नाथनगर थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना की फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक कूड़े के ढेर में रखी प्लास्टिक में आग का रूप काफी भयावह हो गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा लाख प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। स्थानीय मुखिया के भाई गुड्डू यादव ने बताया कि अचानक कूड़े घर में आग लग गई, देखते देखते आग की लपट काफी तेज हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग काफी भयावह रूप लेने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।